जबकि यह तले अंधेरा जो है यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवन चकिया यहाँ पर है, सोलर के प्लांट जो यहाँ लगातार लग रहे, लेकिन यहाँ के लोग भी अंधेरे में। साहब पहले आरएलपी में थे, तब आपने कांग्रेस को घेरा, तब कह रहे थे कि कांग्रेस के जो है वो नेता मिले हुए हैं, अब आप कांग्रेस में है तो अब भाजपा के नेताओं से वो मिल गया। बजट जो है वो बाड़मेर को दिया गया, लगता नहीं कहीं ना कहीं बड़ा सौतेला व्यवहार जो है वो यहाँ को हो रहा है। सरहदी गाँव के तो ये हाल है कि नल तो पहुंच गए, जल नहीं पहुंचा। अस्पताल के ये हाल है कि यहाँ पर यदि सोनोग्राफी करवानी होती है तो एक महीने की वेटिंग जो है वो लिख कर दी जाती है। परेशान इस बात को लेकर है कि बिजली चली जाती है, अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाता, यहाँ का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, एफआरटी टीम जो है वो जवाब नहीं दे पाती, मौके पर पहुंचना तो दूर की बात, ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ दो दो दिन तक जो है लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू राजस्थान का रेवेन्यू बाड़मेर जिले से जा रहा है, लेकिन दिया सबसे कम है, सौतेले व्यवहार किया, ये बिल्कुल गलत है और लोगों के अंदर बड़ी निराशा है। बाड़मेर में सांसद कार्यालय उद्घाटन के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि आमजन की जो समस्याएं हैं वो सीधी सांसद तक पहुंचेगी। उसी को लेकर आज सांसद महोदय जो है वो सांसद यहाँ कार्यालय में मौजूद है और कई समस्या लेकर कई लोग जो है वो यहाँ पहुंचे। सांसद से जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की समस्या लेकर जो है वो यहाँ लोग पहुंचे। सर, कई लोग यहाँ समस्या लेकर पहुंचे, क्या समस्या है जो अब तक जो है पूरी नहीं हुई, लोग जो है अभी तक त्रस्त है? देखिए, बिजली पानी की मेन समस्या रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा लगभग 25-30% लोगों के घर बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, और जहाँ बिजली आ रही है वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लाइन क्षतिग्रस्त हैं, टाइम से वापस रिपेयर नहीं होती, जले हुए ट्रांसफार्मर वापस टाइम से नहीं मिलते किसानों के, कई घरेलू कनेक्शन के, साथ ही पानी की बहुत ही विकट समस्या थी, लेकिन अब इंद्र भगवान मेहरबान हुआ, बारिश अच्छी हुई तो पानी की समस्या थी लोगों से रात मिली है। लेकिन जो JJM स्कीम है कि मोदी जी का वादा है कि घर घर तक नल पहुंचाएंगे, तो नल पहुंचाने के तहत तो 50-60% घरों तक नल पहुंचे हैं, लेकिन जल का 2% भी कहीं पहुंचा नहीं है, तो जब तक पानी नहीं आएगा तो पानी की समस्या नल लगाने से खत्म नहीं होती। सरहदी गाँव के तो ये हाल है कि नल तो पहुंच गए, जल नहीं पहुंचा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि 60% घरों तक लाइनें गाँव में डली है, लेकिन पानी एक बूंद भी कहीं नहीं पहुंचा है, और पहुंचेगा कैसे ये भी अधिकारियों को भी पता नहीं कि पानी कहाँ से आएगा कैसे आएगा, उनको तो सिर्फ फटाफट यही है कि घर घर कनेक्शन करना है, नल लगाना है, और जल कैसे आएगा किसी को भी पता नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के, वो फालतू हो रहे हैं, तो इनको सदुपयोग के लिए पानी कैसे पहुँचे इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हमारी भी मांग रहेगी कि पानी के जो स्थानीय स्रोत हैं और जो बाहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हो, चाहे नर्मदा से हो, अलग से प्रोजेक्ट बनाकर पानी यहाँ लाए और व्यापक पानी की व्यवस्था हो, स्टोरेज की व्यवस्था हो, ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुँचे। विद्युत को लेकर कहा जाता है कि बिजली जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि दिया तले अंधेरा जो है वो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवन चकिया यहाँ पर है, सोलर के प्लांट जो यहाँ लगातार लग रहे, लेकिन यहाँ के लोग भी अंधेरे में। इसको लेकर आपकी सरकार से कोई बात हुई या आगे की कोई प्लान है कि सर बात करके ये करें कि यहाँ के जो है लोगों को ये सुविधाएं जो है पहले सबसे पहले यहाँ मिले, उसके बाद यहाँ से बिजली जो है आगे ट्रांसफर? मैं ऊर्जा मंत्रालय के सेक्रेटरी से भी मिल के आया, MD से भी मिल के आया, जो वितरण व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, बाकी प्रोडक्शन तो है, अभी विंड से है, सोलर से है, थर्मल पावर प्लांट है, उन सबसे प्रोडक्शन की तो कोई कमी नहीं है यहाँ, लेकिन वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन प्रॉपर नहीं है, GSS प्रॉपर बने हुए नहीं है, और जो पुरानी आवश्यकता के अनुसार छोटे GSS है, 1133 के GSS हैं, उनकी जो ओवर कैपेसिटी हो गए हैं, तो इन सब संबंधित बात हुई है, इन व्यवस्थाओं को, वितरण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लाइनों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नए GSS बनाने पड़ेंगे, तभी जाके ये लाइट की समस्या का समाधान हो पाएगा। पब्लिक सबसे ज्यादा परेशान इस बात को लेकर है कि बिजली चली जाती है, अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाता, यहाँ का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, FRT टीम जो है वो जवाब नहीं दे पाती, मौके पर पहुंचना तो दूर की बात, ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ दो दो दिन तक जो है लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। बिल्कुल, दो दो दिन है, कई 15 दिन तक भी रहना पड़ता है, ये बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है, वितरण व्यवस्था भी ठीक नहीं है, इनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए स्टाफ नहीं है इनके पास पहले, और सारा सब कुछ ठेके पे सिस्टम कर रखा है, FRT को ठेका दे रखा है प्रत्येक GSS वाइज, और वहाँ स्टाफ वो रखते नहीं है, 10 की स्टाफ की संख्या जैसे होती है तो वहाँ एक दो रखते हैं, और एक दो भी टाइम से नहीं मिलते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है और सभी ऊपर तक लोगों को पता है, लेकिन इसकी समाधान हो नहीं पा रहा है, मेरा प्रयास रहेगा दोबारा इन अधिकारियों से बात करेंगे और इस व्यवस्था को ठीक करने में प्रयास करेंगे। विधानसभा में सत्र बजट जो है वो चल रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से बजट जो है वो बाड़मेर को दिया गया, लगता नहीं कहीं ना कहीं बड़ा सौतेला व्यवहार जो है वो यहाँ को हो रहा है? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र को बजट में कोई खास कुछ नहीं मिला,
और जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्थान का रेवेन्यू बाड़मेर जिले से जा रहा है और केन से ऑयल एंड गैस सेक्टर से जा रहा है और बाकी कंपनियां जो रेवेन्यू जनरेट करती है उनके माध्यम से भी राजस्थान गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है और खनिज जो कोयले के रूप में सबसे ज़्यादा यहाँ से मिल रहा है, लेकिन दिया सबसे कम है, सौतेला व्यवहार किया, ये बिल्कुल गलत है और लोगों के अंदर बड़ी निराशा है। तो अब क्या लगता है कि बाड़मेर को आगे भी इस जो बजट सत्र चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बाड़मेर को जो है संतुष्ट कर पाएगी ये सरकार? देखिए, मांग रखेंगे बाड़मेर में, जो हमारे विधायक जी हरी जी अभी केवल एक ही विधायक जीते हुए इधर बाड़मेर के सत्र से, वो उन्होंने डिमांड भी रखी है और आगे भी रखेंगे, हो सकता है कि सप्लीमेंट्री अंतरिक्ष बजट के अंदर कुछ दें, प्रयास जारी रहेगा। बाड़मेर की विधायिका प्रियंका चौधरी ने अस्पताल को लेकर जो है नाराजगी जाहिर की है, वहाँ पर अस्पताल के ये हाल है कि यहाँ पर यदि सोनोग्राफी करवानी होती है तो एक महीने की वेटिंग जो है वो लिख कर दी जाती है, तो इसको लेकर यहाँ पर क्या प्रयास जो है सार्थक प्रयास रहेंगे कि इस प्रकार से अस्पताल में ये हालात नहीं हो कि यहाँ के मरीजों को जो है एक महीने तक सोनोग्राफी के लिए वेटिंग लाना? देखिए, मेरा भी प्रयास रहेगा, मैं चिकित्सा अधिकारियों से मैं बात करूँगा, सेक्रेटरीट में भी बात करूँगा कि बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, ECG है, सारी जो सुविधाएं जो एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर हो वो सारी सुविधाएं बाड़मेर के अंदर हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो कमियां रही है ये बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिला मुख्यालय का इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी महीनों भर सोनोग्राफी के लिए इंतजार करना पड़ा, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बजट दिया ही है, बाकी CSR फंड से भी काफ़ी बजट इधर उधर खर्च हुए हैं, उसके अंदर भी अनियमितता हुई है, तो प्रयास रहेगा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग न हो और CSR फंड का भी दुरुपयोग न हो, इन सब का सदुपयोग हो और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर जिले के चिकित्सा में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, चाहे सड़क में हो, पानी में हो, बिजली में हो, हर तरीके से बराबर बाड़मेर का हक मिले। अच्छा, बजरी की दरों को लेकर आप काफ़ी टाइम धरने पर बैठे और यहाँ से जो है बजरी का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बजरी की दरें जो है वो कम नहीं हुई, इसको लेकर जो लोग हैं वो अभी तक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के अंदर रोष है और सरकार अभी सौतेला व्यवहार कर रही है, कुछ लोग धड़ल्ले से दिन और रात लगे हुए हैं बजरी के अवैध कारोबार में, कुछ नेता भी उनके साथ में लिप्त हैं, लेकिन आम लोग परेशान हैं और उनको टारगेट कर करके परेशान किया जाता है और विशेष लोगों के ऊपर फोकस करके लोगों की गाड़ियां भी जब्त की जा रही है, कार्रवाइयां दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन जो हकीकत में धड़ल्ले से अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं बजरी का, उनको कोई छेड़ नहीं रहा है और कभी कभार कोई गलती से चला जाता है उनके देखा देखी तो उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं, इस तरीके से लूट मचा रखी है, ये बहुत ही चिंताजनक है और सरकार छोटी लीजें करके इस बजरी की समस्या का परमानेंट समाधान करे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर सारे काम टिके हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के पूरे काम, चाहे रोड हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग के काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का काम हो, चाहे निजी घरों के काम हो, बड़े उद्योगों के काम है, रिफाइनरी का काम है, केन वेदांता के सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के काम बजरी के ऊपर टिके हुए हैं और बजरी महंगी होने की वजह से और नहीं मिलने की वजह से बहुत लोगों के अंदर परेशानी है और जो 10,000 की गाड़ी आनी चाहिए बजरी का, वहाँ 50,000 दे के लानी पड़ती है और वो भी चोरी छुपे, जैसे कोई स्मिलिंग का काम कर रहा हो वैसे बजरी का काम लोगों को करना पड़ता है, तो इस समस्या से जल्द जनता को राहत मिले, छुटकारा मिले और सरकार जल्द से जल्द छोटी लीजें वगैरह करके बजरी की समस्या का समाधान करे। आसपास के लोग इसी बात को लेकर परेशान है कि रॉयल्टी कार्मिक जो है वो लगातार जो है उनके साथ मारपीट करते हैं, यहाँ के लोगों को जो है रॉयल्टी देने के बावजूद भी यदि ऑनलाइन देते हैं तब तो मान लेते हैं, ऑफलाइन देते हैं तो फिर से वो पैसे मांगते और उसकी पर्ची जो वो भी नहीं। ये बजरी की गुंडागर्दी चली है काफ़ी समय से और वहाँ का बजरी का कारोबारी ठेकेदार है, उसकी बदमाशी है और वो लोगों को परेशान कर रहा है और वो उसकी मिली भक्ति के बिना ये संभव नहीं है और वो इतना चतुर है कि जहाँ मिलना होता है वहाँ मिल के और लोगों को लूटने के अंदर लगा रहता है। मेरी सरकार से मांग रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। साहब, पहले RLP में थे तब आपने कांग्रेस को घेरा, तब कह रहे थे कि कांग्रेस के जो है वो नेता मिले हुए हैं, अब आप कांग्रेस में हैं तो अब भाजपा के नेताओं से वो मिल गया? संबंधित नेता जो मैंने ये बात स्पष्ट बोली ना, आपको जहाँ जिसकी चलती है उसके साथ वो मिल जाता है और मिल के जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छा, अब अगला कदम जिस प्रकार से समस्याएं आ रही है, आपने रजिस्टर भी मेंटेन किया है, तो इन समस्याओं को किस प्रकार से जो लोगों को है वो निजात मिलेगी? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा जैसे संबंधित डिपार्टमेंट से समस्या है, जैसे बिजली की है तो बिजली के अधिकारियों से बात करके उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे,
पानी की है तो पीएचडी के अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी का है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के, उन अधिकारियों से संबंधित समस्या है तो उनसे उनसे बात करके उनका समाधान काम निकालने का प्रयास रहेगा। और सरकार के लेवल पर ऊपर उच्च अधिकारियों से और विपक्ष के माध्यम से मेरी यही मांग रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या आ रही है उनका समाधान हो, क्योंकि एक सरकार का काम होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता को राहत पहुँचाना। सांसद के निर्देश के बावजूद भी यदि कोई ठोस कार्रवाई यदि होती नजर नहीं आई तो उसका अगला कदम क्या रहेगा? उनके और भी तरीके हैं, उनकी कार्रवाई होगी, उनको अवमानना के नोटिस भी दिए जाएंगे और जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ जांच करवाई जाएगी। होगा क्यों नहीं, अगर चाहेंगे तो काम होगा। बिल्कुल, ये सांसद उमेदाराम बेनीवाल थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों की समस्या का यदि समाधान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और किसी भी एन प्रकार से जो है लोगों की समस्या को जो है निजात दिलाई जाएगी। कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ भारत जांगीर द घटक बाड़मेर।